टीम इंडिया मैच भले ही नहीं जीत पा रही हो, लेकिन इंग्लैंड में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की चोटिल होने की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। टीम ने इंजरी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ताजा नाम रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का जुड़ गया है। जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ये है टीम इंडिया के इंजर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट। That can be painful. वो लिस्ट जो लगता है इंग्लैंड दौरा खत्म होने तक पूरी प्लेइंग 11 बन जाएगी, क्योंकि पहले ही वनडे में जहां अनफिट सचिन मैच खेलने ही नहीं उतरे, वहीं रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर चारों खाने चित हो गए। स्टुअर्ट ब्रॉड की एक गेंद पर रोहित शर्मा अपनी उंगली नहीं बचा सके और रिटायर्ड हर्ट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। फिलहाल रोहित गंभीर चोट के चलते इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मनोज तिवारी इंग्लैंड रवाना हो सकते हैं, लेकिन रोहित को मिलाकर 8 खिलाड़ी तो फिलहाल खेलने लायक ही नहीं बचे हैं। वहीं कुछ खिलाड़ी इंजरी के साथ ही खेल रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर नाम है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर से लेकर कई दिग्गज धोनी की विकेटकीपिंग पर सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन धोनी की असली परेशानी का राज खोला है इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर पॉल निक्सन ने। मैंने धोनी को विकेटकीपिंग करते हुए बेहद ध्यान से देखा है, वो बॉल को अच्छी तरह से नहीं पकड़ रहे। लगता है धोनी के हाथों में सूजन है, बॉल पकड़ते ही उनके हाथों में दर्द होता है। ये वो धोनी नहीं है जो 2007 दौरे पर बेहद तेजी से गेंद पर झपटता था। खास बात यह है कि इंजर्ड खिलाड़ियों की टीम मौजूदा प्लेइंग 11 से प्रोफाइल में ज्यादा मजबूत है। ऐसे में टीम इंडिया जैसे तैसे 11 खिलाड़ियों को लेकर मैदान पर उतरने के लिए मजबूर है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज 24।